महिला क्रू मेंबर का एएसआई को थप्पड़ मारने वाला यह मामला है। महिला अनुराधा रानी की शिकायत पर एयरपोर्ट थाने में मामला दर्ज हुआ। सीआईएसएफ के एएसआई गिरिराज प्रसाद के खिलाफ यह मामला दर्ज हुआ है, उसी के खिलाफ जिसे थप्पड़ मारा गया। एएसआई पर अभद्र व्यवहार करने और अभद्र टिप्पणी करने के आरोप लगे हैं। महिला की ओर से विरोध करने पर एएसआई ने नौकरी से निकलवाने की धमकी दी। अनुराधा के रिश्तेदार की ओर से रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। अनुराधा को अब पुलिस से न्याय की आस है। मेरे सहयोगी विनय पंत मेरे साथ जुड़ गए, सीधे विनय का रुख करते हैं। विनय, कल इसका ऑपोजिट मामला दर्ज हुआ था जहां पर क्रू मेंबर पर यह आरोप लगा था कि एएसआई को थप्पड़ मारा, अब इसका जस्ट उलट। जी बिल्कुल हार्दिक, देखिए कल जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ, एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट की क्रू मेंबर और जो सीआईएसएफ के एएसआई है उनके बीच में जो विवाद हुआ उसका सीसीटीवी भी सामने आया था, काफी चर्चा में रहा। और वहीं इस पूरे प्रकरण को लेकर अब जो महिला क्रू मेंबर है उसकी ओर से भी एयरपोर्ट थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है जो सीआईएसएफ के एएसआई हैं गिरिराज के खिलाफ, और कई तरह के जो संगीन आरोप हैं वो लगाए गए हैं। ये भी कहा गया है कि जो एएसआई हैं सीआईएसएफ के उन्होंने अभद्र व्यवहार किया, अभद्र टिप्पणी की, और जब विरोध किया गया उस बात का अनुराधा के द्वारा तो अनुराधा को नौकरी से निकालने तक की धमकी जो है वो सीआईएसएफ के एएसआई के द्वारा दी गई। इस तरह के जो आरोप हैं वो अनुराधा ने अपनी शिकायत में लगाए हैं और अनुराधा की ही एक रिश्तेदार की ओर से एयरपोर्ट थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है और साथ ही पुलिस से न्याय की उम्मीद भी की गई है। और देखना यही होगा कि पुलिस इस पूरे प्रकरण में किस तरह से दूध का दूध और पानी का पानी करती है, क्योंकि क्रॉस एफआईआर इसमें हुई है। जहां पहले कल सीआईएसएफ के एएसआई की ओर से रिपोर्ट दी गई थी, वहीं अब अनुराधा की ओर से भी इसमें रिपोर्ट दी गई है। और जाहिर सी बात है कि जिस तरह का सीसीटीवी भी सामने आया था उसमें कई लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और अचानक से जो एएसआई है वो कुछ बोलता हुआ दिखाई दे रहा है और तभी अनुराधा गुस्से में इस तरह से रिएक्ट करती है। लेकिन वास्तविक कारण क्या रहे, अनुराधा ने इस तरह से कदम क्यों उठाया, ये जांच का विषय है। और जिस तरह के आरोप अनुराधा की ओर से अब अपनी शिकायत में लगाए गए हैं सीआईएसएफ के एएसआई पर, अगर वो आरोप सही हैं तो वाकई में एक बेहद संगीन मामला है। और अब देखना ये होगा कि पुलिस इसमें किस तरह से जांच करती है और क्या तथ्य जो है वो जांच में सामने आते हैं। ठीक है विनय, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और इन जानकारियों के लिए।